हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंजंक्शन से शुरुआत करेंगे और मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हम लोगों ने एडवर्ब देख लिया है, एडवर्ब के टाइप्स को देख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने एडवर्ब को कुछ क्वेश्चन से अच्छे से समझा था। ठीक है, यहाँ तक नोट्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप। और अगर आपको जीके का नोट्स चाहिए, कम समय में आपको पढ़ना है, जीके का सुपर शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं कंजंक्शन से। कंजंक्शन क्या है? तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स। ठीक है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है और दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो कैसा वर्ड्स? तो दो चाहे नाउन हो, ठीक है, दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो या दो वर्ब हो या दो एडजेक्टिव हो या दो एडवर्ब हो, ठीक है, उसे कंजंक्शन ज्वाइन करता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे, इन दोनों एग्जाम्पल्स का। ठीक है, आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इन दो स्टेटमेंट्स को तोड़ने का कोशिश करो। चलो अब मैं आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को कराता हूँ। मोहन एंड सोनू आर प्लेइंग फुटबॉल। मोहन और सोनू फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे? खेलने का, प्लेइंग का। ठीक है, ये हो जाएगा अपना वर्ब, फुटबॉल हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन टाइप है इसका प्रॉपर। ये इतना तो आप लोगों को अब समझ में आने लगा होगा, है कि नहीं? आर हो जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब। और अब देखो ये काम कौन कर रहा है, ये खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन और सोनू दोनों ही डूअर हैं इस काम के। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखो, ये दोनों के दोनों बनेंगे। ठीक है, मोहन भी सब्जेक्ट है और सोनू भी सब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं ना, दोनों डूअर हैं। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच मोहन और पार्ट्स ऑफ स्पीच सोनू का, दोनों का नाउन है और दोनों के दोनों ही प्रॉपर नाउन है। अब देखो यहाँ पे दो नाउन एक साथ सब्जेक्ट बन रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? दो नाउन एक साथ कैसे आ सकता है? तो ये हो रहा है कंजंक्शन के कारण। ये दो नाउन एक साथ दो नाउन एक साथ दो सब्जेक्ट कैसे आ पा रहे हैं? तो कंजंक्शन के कारण। ठीक है, एक ही वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट कैसे आ पा रहे हैं? तो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है अपना कंजंक्शन। एंड जोड़ने का काम कौन करता है? तो कंजंक्शन करता है। चलो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, सरोज इज रीडिंग एंड राइटिंग। सरोज क्या कर रहा है? लिख रहा है और पढ़ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इज हो जाएगा अपना लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, और काम क्या हो रहा है? रीडिंग का और राइटिंग का। ठीक है, तो एक्शन हो रहा है पढ़ने का और लिखने का। अब देखो दो वर्ब आ रहे हैं एक साथ एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब कैसे आ सकते हैं? ठीक है, तो ये हो रहा है कंजंक्शन के कारण। ये दोनों वर्ब को जोड़ रहा है, ये दोनों वर्ब एक साथ आ पा रहा है कंजंक्शन के मदद से। समझ में आया बात? ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चाहे आप दो एडवर्ब लिखो, चाहे आप दो साथ में नाउन लिख लो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। ठीक है, चाहे दो आप वर्ब लिख लो साथ में जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। अब चाहे दो आप एडजेक्टिव लिख लो। ठीक है, दो एडजेक्टिव भी साथ में हम लोग लिख सकते हैं कंजंक्शन के मदद से। कैसे लिख सकते हैं? ही इज अ टॉल एंड हैंडसम बॉय। ही इज अ टॉल एंड हैंडसम बॉय। ठीक है, तो टॉल एंड हैंडसम ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब दो एडजेक्टिव आ रहे हैं एक ही नाउन के लिए, बॉय के लिए, है कि नहीं? तो आप चाहे दो नाउन लिख लो, चाहे दो वर्ब लिख लो, चाहे दो एडवर्ब लिख लो, चाहे दो एडजेक्टिव लिख लो, उसे जोड़ सकता है कंजंक्शन। ये जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, जॉइंस टू वर्ड्स। ठीक है, तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। चलो वर्ड्स को तो ज्वाइन कर लिया, अब हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप तोड़ने का कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। देखो तो यहाँ पे ये जो दो वर्ड, ये जो सेंटेंस है, इफ़ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे दो दो अलग अलग सेंटेंसेस हो? इफ़ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस एक ही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये फुल स्टॉप जहाँ पे आता है ना, वहीं पे सेंटेंस खत्म होता है। फुल स्टॉप को ग्रामर में टर्मिनेटर कहते हैं, जहाँ पे आता है वहीं पे सेंटेंस एंड करता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि दो सेंटेंसेस एक साथ हैं? तो यहाँ पे दो क्लॉजेज आ रहे हैं। ठीक है, ये है अपना इफ़ यू कम लेट, ठीक है, एक क्लॉज, और आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स दूसरा क्लॉज। ठीक है, ये है क्लॉज वन और ये क्लॉज टू। ये क्लॉजेज क्या हैं? चलो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक
इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच जॉइंस विच हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट क्लॉज क्या है? क्लॉज एक ऐसा पार्ट ऑफ ऐसा सेंटेंस का पार्ट है जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है. ठीक है, हम लोग समझते हैं इसको, इस बात को. तो यहाँ पे देखो, इफ़ यू कम लेट, ये हो जाएगा अपना वर्ब. ठीक है, और ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका प्रोनाउन. ठीक है, और यहाँ पे ये लेट है एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, इतना बात समझ में आ गया. अब देखो यहाँ पे, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट, इन्फॉर्म हो जाएगा अपना वर्ब, ये हो जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? ये है. ठीक है, आई हो जाएगा अपना सब्जेक्ट. ठीक है, विल है इन्फॉर्म, विल है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे इन्फॉर्म है वर्ब. ठीक है, और सब्जेक्ट कौन है? आई. अब देखो यहाँ पे, योर हो जाएगा एडजेक्टिव और पेरेंट्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, पेरेंट्स हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका नाउन. टाइप है इसका कॉमन नाउन. ठीक है, यहाँ पे ये है प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर, ये प्रोनाउन. ठीक है, आई हो जाएगा अपना सब्जेक्ट और यह है प्रोनाउन. ठीक है, यू हो जाएगा अपना प्रोनाउन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, एक साथ दो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब कैसे आ पा रहे हैं? यहाँ पे देखो, एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे दूसरा वर्ब है. ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब कैसे आ पा रहे हैं? तो ये हो रहा है, ये है एक क्लॉज. ठीक है, ये है अपना एक क्लॉज, यू इफ़ यू कम लेट और आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लॉजेज एक साथ कैसे आ पा रहे हैं? तो दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है, एक साथ दो क्लॉजेज कैसे आ पा रहे हैं? तो एक साथ दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है अपना कंजंक्शन. ठीक है, कि एक साथ दो क्लॉजेस, यहाँ पे एक साथ दो क्लॉजेस कैसे आ पा रहे हैं? यहाँ पे देखो, इसका अपना अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है. इसका अपना सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई, और यहाँ पे इनफॉर्म अपना वर्ब है. ठीक है, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक क्लॉज यहाँ पे है. ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये हो जाएगा अपना एक क्लॉज. ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये हो जाएगा अपना एक क्लॉज. ठीक है, तो दो दो यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये क्लॉज वन है और यहाँ पे ये क्लॉज टू है. ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लॉजेस एक साथ कैसे आ पा रहे हैं? एक साथ दो क्लॉजेस आ पा रहे हैं कंजंक्शन के मदद से. कंजंक्शन वो लोग को जोड़ रहा है. कंजंक्शन देखो, कंजंक्शन का दो जगह होता है. कंजंक्शन अगर शुरू में आ गया, ये है यहाँ पे इफ है कंजंक्शन. ठीक है, अगर शुरू में आ गया कंजंक्शन, तो बीच में क्लॉजेस के बीच में आ जाएगा कॉमा. ठीक है, कंजंक्शन का दो जगह होता है. अगर शुरू में आ गया कंजंक्शन, तो बीच में आ जाएगा कॉमा. और अगर कंजंक्शन बीच में आया, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कंजंक्शन, तो यहाँ पे कॉमा नहीं आता है. ठीक है, इस सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं. द थीप वॉज रनिंग वेरी फास्ट. रनिंग हो जाएगा यहाँ पे एक्शन. ठीक है, वर्ब. वॉज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब. अब यहाँ पे दौड़ कौन रहा है? थीप. ये हो जाएगा सब्जेक्ट. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन. अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. द थीप वॉज रनिंग वेरी फास्ट. फास्ट किसका ये विशेषता बता रहा है यहाँ पे? कैसे दौड़ रहा था? तो तेज दौड़ रहा था. ये हो जाएगा अपना एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये. ठीक है, वेरी क्या है? वेरी किसका विशेषता बता रहा है? बहुत तेज. ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है, चलो इतना तो क्लियर है. थीफ हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, रनिंग हो जाएगा मेन वर्ब. ठीक है, फास्ट हो जाएगा अपना एडवर्ब ऑफ टाइम और ये हो जाएगा वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री. अब देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो, द पुलिसमैन कॉट हिम. ठीक है, ये अपना वर्ब है और डूअर कौन है? पुलिसमैन कर रहा है यहाँ पे पकड़ने का काम, तो ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट. पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन. अब देखो यहाँ पे हिम, ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट. ठीक है, रिसीवर कौन है इस कॉट का? तो ये हो जाएगा हिम. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये प्रोनाउन है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट. ठीक है, ये है सब्जेक्ट वन, ये है अपना सब्जेक्ट टू. ठीक है, दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और यहाँ पे दो वर्ब आ रहे हैं, रनिंग और कॉट. दो एक ही सेंटेंस में दो, यहाँ पे देखो दो दो एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब कैसे आ पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये दो सेंटेंस और ये दो यहाँ पे
यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लॉज बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मिलके दूसरा क्लॉज बन रहा है। अब देखो यहाँ पे ये दो क्लॉज, यहाँ पे दो क्लॉज एक साथ कैसे आ पा रहे हैं, तो दो क्लॉज यहाँ पे एक साथ आ पा रहे हैं कंजंक्शन के मदद से। कंजंक्शन यहाँ पे कौन है, तो बट है कंजंक्शन, ठीक है। तो जब बीच में आता है कंजंक्शन तो कॉमा नहीं आता है, और शुरू में अगर यहाँ पे प्लेस किया गया तो यहाँ पे कॉमा आता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे हमने क्या सीखा अभी तक, तो कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड्स को जोड़ने का मदद करता है, चाहे वो नाउन हो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, और चाहे वो दो वर्ब हो, ठीक है, चाहे वो दो एडजेक्टिव हो। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा कि कंजंक्शन जो है वो दो क्लॉजेस को भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इन दो एग्जाम्पल्स के मदद से हमने देखा कि दो क्लॉजेस को कंजंक्शन जोड़ सकता है, दो क्लॉजेस एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ये है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इंटरजेक्शन क्या काम आता है, इंटरजेक्शन को यूज़ किया जाता है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो इंटरजेक्शन में क्या है, ठीक है, जब हम लोग उदास होते हैं किसी बात को लेके, सॉरी, तो हम लोग अलास का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग जब किसी बात को लेके उदास होते हैं तो हम लोग अलास को यूज़ करते हैं, और जब हम लोग खुश होते हैं किसी बात को लेके तो हम लोग हुर्रे यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्या है, ठीक है। जब हम लोग उदास होते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अलास, ठीक है। ये है अपना हिज डॉग, अलास हिज डॉग डाइड यस्टरडे, ठीक है, डाइड हो जाएगा अपना वर्ब, और हिज डॉग, ठीक है, उसका उसका कुत्ता, ठीक है, हिज डॉग, तो ये हो जाएगा अपना पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, हिज हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, हिज डॉग। अब देखो यही डॉग हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, और येस्टरडे हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। और हुर्रे, जब हम लोग खुश होते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं हुर्रे एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, ठीक है। वोन हो जाएगा यहाँ पे वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, जीता, तो लॉटरी जीता, तो ये अपना ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आई, हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है SSC में, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है, ग्रामर का पार्ट है। अलास जब हम लोग उदास होते हैं, और हुरे जब हम लोग खुश होते हैं, तो हम लोग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सुने ही होंगे अब आज तक, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है किसी से सवाल पूछने के लिए, ठीक है, किसी से सवाल पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग इस सेंटेंसेस को देखते हैं ज़रा, ये आर क्या है, तो ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब है यहाँ पे, आर यू सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पे मेन वर्ब है यहाँ पे सॉल्व करने का, तो ये हो जाएगा अपना वर्ब सॉल्विंग, और कौन सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे यू, आर यू सॉल्विंग, तो ये यू हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, और क्वेश्चंस हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, आर यू सॉल्विंग अ क्वेश्चंस, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम जरा स्टेटमेंट देखते हैं, हैव यू विजिटेड गोवा, हैव यू विजिटेड गोवा, विजिटेड हो जाएगा अपना वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, और ये हो जाएगा अपना हैव, हो जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इतना बात क्लियर है। यू हो जाएगा अपना सब्जेक्ट और गोवा हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखो तो यहाँ पे आर यू सॉल्विंग क्वेश्चंस और हैव यू विजिटेड गोवा, ठीक है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब है शुरू में, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद फिर वर्ब आ रहा है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये है इसका जनरल जो स्ट्रक्चर होता है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिस सेंटेंसेस को हम लोग यूज़ करते हैं सवाल पूछने के लिए, वो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। अब अपने तीसरे सेंटेंस में देखते हैं, हु टीचेज यू, ठीक है, तो हु जो है यहाँ पे ये बन रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, हु जो है यहाँ पे ये बन रहा है सब्जेक्ट, और हु क्या है, हु है एक प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पे ये सारे जो थे आर हैव, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब थे, और ये जो है शुरू में आ रहा है अपना प्रोनाउन, ठीक है, और ये बन रहा है सब्जेक्ट, और टीचेज हो जाएगा वर्ब, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हु हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, टीचेज हो जाएगा वर्ब,
ठीक है, और यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, टीचर्स, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो जनरल ट्रेंड होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर वर्ब। ठीक है, ये ट्रेंड हम लोग देखते आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में ये होता है, लेकिन जब WH वर्ड्स हु और वॉट, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो हैं हु और वॉट होते हैं, हु और वॉट होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों प्रोनाउन होते हैं। जब हु और वॉट यूज़ करके हम सवाल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इसके बारे में मैं, हु और वॉट के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब प्रोनाउन चैप्टर को हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, पैसिव वॉइस का बेसिक्स बस बताऊंगा, और उसके बाद फिर प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब उसमें मैं आपको बताऊंगा हु और वॉट के बारे में डिटेल्स। अभी बस जान लो कि हु जो है वो प्रोनाउन है। तो ये जो है, बस जब हु और वॉट से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। ठीक है, ये वाला जो अपना स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग यूज़ करते हैं सवाल पूछने के लिए, एकदम सिंपल। ठीक है, सवाल पूछना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे कि जब इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ट्रेंड है। ठीक है, और जब WH वर्ड्स हु और वॉट यूज़ होता है तो हम लोग ये ट्रेंड को देखते हैं कि फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, असर्टिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, चलो अब मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को आपने सुन रखा होगा कि ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के काम में आता है। ऑर्डर, और किसी को ऑर्डर देना हो, किसी को एडवाइस देना हो, या किसी को किसी से रिक्वेस्ट करना हो, तो हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए आपने सुन रखा होगा कि ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट देने के काम आता है। ठीक है, अब आपने ये भी सुन रखा होगा बचपन में कि ये जो सेंटेंसेस है इनका जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, इनका जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि इनका अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो है वो यू क्यों है। ठीक है, तो अब देखो एक सीन इमेजिन करो कि मैं रूम में अकेला हूँ। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ओपन द बॉक्स। ऐसा हो सकता है मैं रूम में अकेला हूँ और मैं अपने आप से कह रहा हूँ ओपन द बॉक्स, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो ओपन द बॉक्स अगर ऐसा ही कहा जा रहा है तो जरूर कोई सामने आदमी होगा, उससे कहा जा रहा होगा। ठीक है, कोई सुनने वाला होगा, कोई सामने आदमी होगा, उसी से तो मैं कह सकता हूँ ओपन द बॉक्स, अपने आप को तो कहूँगा नहीं। ठीक है, तो ये जरूर किसी आदमी से कहा हो जा रहा होगा। अब देखो किसी आदमी को, ठीक है, जो सुन रहा होता है, जो सामने वाला होता है, उसे ग्रामर में कहा जाता है सेकेंड पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन कहा जाता है जो सुन रहा होता है। ठीक है, जो बात सुन रहा होता है, जो सामने वाला होता है, उसे सेकेंड पर्सन कहा जाता है, और ग्रामर में उसके लिए प्रोनाउन यू यूज़ किया जाता है। ठीक है, सामने वाला जो सुन रहा होता है उसे, उसके लिए ग्रामर में यू प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो सुन रहा है उसे मैं कह रहा हूँ ओपन द बॉक्स, इसीलिए यहाँ पे अंडरस्टूड जो है यू होता है सब्जेक्ट अपना। ठीक है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो होता है अपना यू होता है इसी कारण से। ठीक है, इसीलिए ये चलन में है। अब समझ में आया बात कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट यहाँ पे यू क्यों है। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। अब देखो इससे पहले हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंसेस से पहले हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें क्या था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस में हमने जाना कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बताना हो, कहना हो, तो हम लोग पॉजिटिव बात के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेज यूज़ करेंगे, और नेगेटिव बात अगर कोई बतानी हो तो हम नेगेटिव सेंटेंसेज यूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंसेस का क्या पहचान है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस का पहचान ये है कि जब आपको ऑर्डर करना हो किसी को, ठीक है, किसी को एडवाइस देना हो, ठीक है, किसी को एडवाइस देना हो, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कोई बात, तो वो इंपरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। ठीक है, और क्या पहचान है कि इनका अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो है वो यू होता है। ठीक है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। और एक पहचान होता है इनका, क्या होता है कि ये जो सेंटेंसेस है, ओपन द बॉक्स, गो इनसाइड, वर्क हार्ड, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, तो ये सारे जो सेंटेंसेस है इनका जो शुरुआत होता है
वो वर्ब के बेस फॉर्म से होता है, ठीक है, वर्ब के बेस फॉर्म से होता है, ठीक है। अब ये वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, तो चलो उसे भी समझते हैं हम, ठीक है। वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो किस वर्ब के उसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि वर्ब कितने टाइप होते हैं। तो बहुत लोगों ने सुन रखा होगा कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, वर्ब 1 ये हो गया, वर्ब 2 ये हो गया, वर्ब 3 ये हो गया, वर्ब 4 और ये हो गया अपना वर्ब 5, ठीक है। अब देखो कि V1 क्या है, तो जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा गो वेंट, ठीक है, गॉन, इतना तो सभी लोगों ने सुन रखा होगा, गो वेंट गॉन, है कि नहीं। और V4 कुछ लोग कहते हैं कि ये है गोइंग, गो वेंट गॉन गोइंग, ठीक है। और V5 कहते हैं कुछ लोग गोज, ठीक है, ये क्या है। कुछ लोगों जो हैं उन लोगों ने इसे सुन रखा होगा V1+ING, ठीक है, और कुछ लोगों ने सुन रखा होगा इसे V1 सिंगुलर फॉर्म के लिए, ठीक है, V1 सिंगुलर फॉर्म के लिए। अब देखो ये क्या है, ये V4 कुछ लोगों ने सुन रखा है गोइंग को, और कुछ लोगों ने V1+ING सुन रखा है, तो ये दो अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों के दोनों सेम ही चीज़ गोइंग के लिए बोले जाते हैं। अब जैसे किसी का घर का नाम अलग रख दो और बाहर का नाम अगर अलग रख दो, आधार कार्ड में अलग नाम है, तो क्या वो अलग आदमी हो जाएगा, नहीं ना। उसी तरह से इसके दो नाम प्रचलित हैं, एक V1+ING कोई कोई कहते हैं और कोई इसे V4 कहते हैं, तो कुछ अलग नहीं है, आप दोनों में से जो यूज़ करना चाहो कर सकते हो गोइंग के लिए, ठीक है। उसी तरह से जब सिंगुलर फॉर्म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं V1 का, तो हम लोग गोज लिखते हैं, ठीक है, उसी को कुछ लोग V5 भी कहते हैं। तो दोनों के दोनों नाम इसका V1 सिंगुलर फॉर्म के लिए और V5 दोनों ही प्रचलित हैं, आप जिससे आपको कंफर्टेबल है वो आप यूज़ करो। अब देखो बात आता है कि वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, ठीक है। तो जो ये जो 5 फॉर्म है जिससे ये डेराइव हुए हैं, ठीक है, जिनसे ये बने हैं ये 5ों फॉर्म, उसे हम कहते हैं वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे है गो वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है, बात समझ में आया। चलो अब अपने सेंटेंस पे वापस लौटते हैं, तो हम पढ़ रहे थे कि इम्परेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इनका पहचान है कि ये 3 काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। दूसरा क्या है कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो है वो यू होता है, सॉरी, अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो होता है यू होता है, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। और इनका शुरुआत जो होता है वो वर्ब के बेस फॉर्म से होता है, ये देखो वर्ब का बेस फॉर्म है गो, वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद वर्क हार्ड, ये वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है। इंटरजेक्शन, ठीक है, ये प्लीज इंटरजेक्शन है और ये है अपना वर्ब का बेस फॉर्म हेल्प, ठीक है, ये हो जाएगा बॉक्स, हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और इनसाइड हो जाएगा अपना यहाँ पे गो इनसाइड में एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब देखो तो ये वर्क हार्ड में ये है हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, और हिम हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेज में हमने क्या सीखा कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट देने के काम आता है, और वर्ब इन सेंटेंसेस का शुरुआत जो होता है वो आपका वर्ब का बेस फॉर्म से होता है, ठीक है। और हमने जाना कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट यहाँ पे होता है यू, ठीक है। एक और आपको मुझे बताना है बात, वो मैंने छोड़ के रखा था आज के लिए, ठीक है। एक सेंटेंस है उसे देखो, वी आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। अब देखो एक और सेंटेंस है, वी आर वेटिंग आउटसाइड द हॉल या द रूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, आर है अपना हेल्पिंग वर्ब और ये है अपना वेटिंग है अपना मेन वर्ब, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो ये आउटसाइड क्या है, ये है प्रीपोजिशन, आउटसाइड क्या है, ये प्रीपोजिशन है, नहीं ना, ये प्रीपोजिशन है, तो फिर इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, तो ये है अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब देखो इस सेंटेंस में कि ये क्या है, ये है अपना सब्जेक्ट, ये ऊपर के जैसा अपना हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है अपना मेन वर्ब है, ये क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो यहाँ पे द रूम क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे
प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। वी आर वेटिंग आउटसाइड द रूम, और ये हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? क्या बताना चाहता हूँ आपको कि प्रीपोजिशंस में जैसे हमने देखा कि कोई शब्द जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बार वो एडवर्ब बन गया तो वो पूरा ज़िंदगी अपना सिर्फ एडवर्ब ही बनता रहेगा, ठीक है। वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। उसी तरह से मैंने आपको नाउन में भी बताया था कि कई बार नाउन जो है वो एडजेक्टिव जैसा भी काम कर सकता है। उसी तरह से ये ठप्पा नहीं है किसी के ऊपर कि अगर वो एक बार प्रीपोजिशन बन गया तो वो सिर्फ प्रीपोजिशन ही रहेगा, या वो एडवर्ब बन गया तो वो एडवर्ब ही रहेगा। आपको वहाँ पे देखना होगा, ठीक है, कि वो किस तरह से काम कर रहा है। क्या वो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है लग के, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है सेंटेंस में, या फिर वो बता रहा है कि वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है।